यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं, पंकज मलिक, पिंकी यादव। दूसरा जो था नॉमिनेशन पेपर, उसके प्रस्ताव करने वाले थे आलमबदी साहब, सोहरन सिंह पूर्व विधायक, अरविंद प्रताप सिंह XMLC, अनिल दोहरे पूर्व विधायक कन्नौज, अंबिका चौधरी, जय सिंह जयंत, सुशील दीक्षित, पूजा शुक्ला, संजय विद्यार्थी सविता, नरेश उत्तम पटेल, उदयवीर सिंह, राजेश कुशवाहा, मोहम्मद हसन रूमी विधायक, प्रदीप यादव विधायक, प्रभु नारायण यादव विधायक, बिशंबर सिंह यादव, ये सभी विधायक हैं, फरीद महफूज किदवई, अरविंद कुमार सिंह, गौरव कुमार, कबीन चौधरी, रफीक अंसारी, ब्रजेश यादव, महेंद्रनाथ यादव, महाराजी प्रजापति, श्याम सुंदर। तीसरा नॉमिनेशन जिसके प्रस्ताव करने वाले हैं श्री राममूर्ति वर्मा, आशु मलिक, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीर अहमद खां, पूजा पाल, आनंद कुमार यादव, त्रिभुवन दत्त, राघवेंद्र कुमार सिंह गौतम, लकी यादव, पंकज पटेल, कमलाकांत राजभर, सिद्धार्थ सिंह, प्रदीप तिवारी, जयप्रकाश अंचल, जियाउद्दीन रिजवी, राजेंद्र प्रसाद चौधरी, नेहा यादव, मोहम्मद फहद, विकास यादव, इकबाल महमूद, शिव प्रताप यादव, शाहिद मंजूर, गीता शास्त्री, इंद्राणी देवी, नादिरा सुल्तान। इन तीनों में तीनों नॉमिनेशन पेपर की जांच हुई। सारे प्रस्तावक पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, क्योंकि जो सक्रिय सदस्य नहीं होता है वो डेलीगेट बन ही नहीं सकता है, वो डिस्क्वालिफाइड होता है। सारे मेंबर्स ये डेलीगेट्स हैं, सक्रिय सदस्य हैं, इसलिए तीनों नामांकन पत्र सही पाए गए। इसके अलावा कोई भी नामांकन पत्र आया नहीं। जो अवधि थी, निर्धारित समय था नॉमिनेशंस का, उसमें कोई नामांकन नहीं आया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए नहीं आया। इसलिए जो स्थिति बचती है, विड्रॉल के दिन के बाद भी कोई नामांकन वापस नहीं किया अखिलेश जी ने, तो इसलिए चुनाव में वैलिड तरीके से नॉमिनेटेड प्रत्याशी थे अखिलेश यादव, और वही अंत तक अकेले प्रत्याशी रहे। और इसलिए निर्वाचन अधिकारी का जो काम होता है, कई कल मैंने फेसबुक पर देखा, हालांकि बीजेपी के लोग हैं हमारे लोगों के नाम से कमेंट करते हैं, हमारा नाम तो राम गोपाल है, मैंने जो कर दिया, हमारा जो करना उस कर लो, फेसबुक पर लिख रहे हैं लोग, मैं जानता हूँ सब बीजेपी के लोग करते हैं। निर्वाचन अधिकारी का क्या काम होता है? निर्वाचन अधिकारी के यहाँ तो जो काम आएगा, जो कागज आएगा, उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो अखिलेश यादव का एकमात्र तीन नॉमिनेशन आए केवल अखिलेश से, वैलिड नॉमिनेशन पेपर थे, इसलिए अब सुनिए तो, और हमारा चुनाव अधिकारी की बात सुनना नहीं चाहते आप लोगों, पहले ही आ गए। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री अखिलेश यादव को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। नहीं है। हेलो, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सब लोग हाथ उठा के नारा जवाब दीजिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है अखिलेश यादव जिंदाबाद,
अखिलेश यादव। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर ये महाधिवेशन चल रहा है और अखिलेश यादव को एक बार फिर से कमान मिल गई है समाजवादी पार्टी की। हाथ में गदा थमाकर उनको सपा अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके अलावा जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इससे पहले 1 जनवरी 2017 को लखनऊ में अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और फिर 5 अक्टूबर को आगरा के राष्ट्रीय सम्मेलन में इस पर मोहर लगी। पहले सम्मेलन 2 वर्ष बाद होता था और फिर 2017 की अगर बात की जाए तो उसे 5 साल बाद बढ़ा दिया गया है। जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो आज इस अधिवेशन की शुरुआत झंडारोहण के साथ हुई, राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद सपा का झंडा भी फहराया गया और राम गोपाल यादव भी बोले। बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा तमाम राजनीतिक प्रस्ताव आज इस अधिवेशन में पास हुए हैं। जातीय जनगणना की मांग उठी है और बहुत सारी बीजेपी की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उस पर भी कटाक्ष किया है समाजवादी पार्टी ने। ये पार्टी लगभग 3 दशक पुरानी है और इन 3 दशकों में पार्टी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सपा महाधिवेशन का आज दूसरा दिन था और ऐसे में अखिलेश यादव को एक बार फिर से पार्टी की कमान सौंप दी गई है। 2024 का लक्ष्य किस तरीके से अखिलेश यादव भेद पाते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी की पूरी बागडोर कह सकते हैं मुलायम सिंह के बाद अब अखिलेश यादव के पास में है। सड़क से संघर्ष करके इस दल की शुरुआत हुई थी और अपने संघर्षों के दम पर ये पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं इस अधिवेशन में। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन समाजवादी पार्टी के लिए। कह सकते हैं कि एक शक्ति परीक्षण आज किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, सपा का अपना प्रांतीय राष्ट्रीय अधिवेशन है और अध्यक्ष पद पर अखिलेश यादव के लिए औपचारिक मोहर लग चुकी है, राजकोषी हो चुकी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। और संजय चौहान हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा बातचीत करने के लिए। संजय, बेहद महत्वपूर्ण दिन, अखिलेश यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की बागडोर सौंप दी गई है और अब ये ताज अखिलेश यादव के सिर पर सजा दिया गया है पार्टी अध्यक्ष का। होना था और चुनाव के बाद जो चुनावी प्रक्रिया थी वो पूरी कर दी गई और चुनाव के चुनाव गोपाल यादव के तौर पर घोषणा की, 30 सीट पर मिला हुआ अखिलेश यादव जो है निर्वाचित होते जनाब अखिलेश यादव हाथों में जाएगी, लेकिन बिल्कुल संजय, लेकिन जाहिर सी बात है संजय कि सपा के पास ताजपोशित अखिलेश यादव क्यों है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उससे ठीक पहले कई ऐसे नेता थे जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, मुलायम सिंह के कार्यकाल में उनके खिलाफ रहे और अब
मूल कैडर के साथ दूसरे दल के कैडर का समायोजन भी संजय पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण है अखिलेश यादव के लिए, और कैसे वो टैकल होंगे, टैकल करेंगे अखिलेश यादव संजय, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। संजय फिलहाल संजय से हमारा संपर्क टूट गया है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई ऐसे नेता जो सपा में शामिल हुए, जो मुलायम सिंह के कार्यकाल में उनके खिलाफ रहे, कह सकते हैं कि सामाजिक समीकरण के हिसाब से वो फिट है, लेकिन पार्टी के मूल कैडर के साथ दूसरे दल के कैडर का समायोजन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और ऐसे में अखिलेश यादव कैसे टैकल करेंगे इन तमाम चीजों को, इन चुनौतियों को किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को ये बागडोर दे दी। अखिलेश यादव तीसरी बार